तो गाइज रिसेंटली हमको BGMI में एक नोटिस देखने मिलता है कि हमारा सर्वर जा रहा है मेंटेनेंस पे आधे घंटे के लिए, और ये चीज देखकर बहुत सारे गेमर्स हमारे BGMI के एकदम से शॉक हो गए कि भाई हमारा गेम कब आने वाला है, क्या हमारा गेम कल परसों में आ जाएगा, क्या हमारा गेम इस सर्वर मेंटेनेंस के बाद में आ जाएगा। और मेरे को मैसेजेस आने लगे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कि भाई हमारा गेम कब आ रहा है, हमें ये क्या देखने मिल रहा है BGMI में। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, एंड जो लोग बिल्कुल अपनी होप खो चुके हैं कि भाई BGMI अब आएगा या फिर नहीं आएगा, तो मैं उन लोग के लिए भी बहुत चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एंड जो जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज ये कल की बात है कि जब हमारा गेम जाता है आधे घंटे के लिए सर्वर मेंटेनेंस पे, और ये सर्वर मेंटेनेंस पे क्यों गया, और ये क्या है जो सर्वर मेंटेनेंस है, और हमारा BGMI कब आने वाला है, क्या इसका BGMI अनबैन से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं है। तो गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये सर्वर मेंटेनेंस होता क्या है, एंड ये क्या चीज थी, ये क्या नोटिस आया हमारे BGMI में हमको। एंड गाइज एक और चीज, ये जो BGMI अनबैन को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सर्वर मेंटेनेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, उन लोग की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। सर्वर मेंटेनेंस में ये नहीं होता है कि भाई BGMI हमारा अनबैन हो जाएगा। अब सर्वर मेंटेनेंस का मतलब होता है कि सर्वर को और ज्यादा स्टेबल किया जा रहा है, जिससे कि हमारी पिंग वगैरह थोड़ी सही आए और हमारा सर्वर और गेम थोड़ा ठीक चले, और जो भी हमको गेम में थोड़े बहुत इश्यूज देखने मिलते हैं सर्वर की वजह से, उसको ठीक करने के लिए सर्वर मेंटेनेंस पे किया जाता है। तो इसलिए होता है सर्वर मेंटेनेंस। एंड अभी बात कर लेते हैं कि हमारा BGMI कब अनबैन होगा, और जो लोग बिल्कुल से होप खो चुके हैं कि भाई अब तो BGMI आने ही नहीं वाला है, अब हमको दूसरे गेम पे शिफ्ट कर लेना चाहिए जो कि है न्यू स्टेट और वगैरह वगैरह के गेम्स। तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि BGMI ऐसा नहीं होगा कि BGMI वापस आए ही ना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि BGMI वापस जरूर से आएगा, तो गाइस आप लोग रिसेंट डेवलपमेंट में देख सकते हो गेम में, जैसे कि जो थोड़े बहुत इवेंट आए थे, एंड फुटबॉल का भी एक इवेंट आया था जिससे कि पता चलता है कि क्रैफ्टन की टीम काम कर रही है BGMI पे। एंड यहाँ पे हमको काफी चीज देखने मिली नई नई BGMI में, चाहे हमको अपडेट देखने ना मिल रहे हो नए वाले 4-5 महीने से, लेकिन हमको फिर भी काफी ज्यादा चीज यहाँ पे देखने मिली है BGMI में कुछ कुछ दिन पर। जैसे कि हमको कुछ दिन पहले देखने मिला था कि हम अपने गेम अकाउंट को कैसे अनलिंक कर सकते हैं, एंड प्लेयर सपोर्ट हमको देखने मिला था एक तरीके से, एंड अगर हम उस पे क्लिक करें तो वहाँ पे हमको एक BGMI का प्लेयर सपोर्ट का YouTube चैनल देखने मिल रहा था। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्रैफ्टन की टीम इस पे काम नहीं कर रही है BGMI को वापस लाने के लिए। और गाइज आप लोग भी बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव चीजें मत सोचो कि भाई अब BGMI वापस आएगा ही नहीं, पता नहीं BGMI कब आएगा। और गाइज अगर मैं बात करूँ कि BGMI कब आएगा, अभी आएगा इस मंथ में या फिर इस ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर में आएगा, 2023 में आएगा। तो कब आने वाला है हमारा BGMI ये अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। तो गाइज जैसे कि अभी हमारा सर्वर मेंटेनेंस का नोटिस आया गेम में, इसको देखकर सब ऐसे होप करने लगे, मतलब कि पूरी BGMI कम्युनिटी ऐसे बोलने लगी कि भाई हमारा BGMI आने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 17 दिसंबर को आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 दिसंबर को आएगा। और गाइज यूट्यूब पे तो अब बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड हो चुकी है जो कि बिल्कुल फेक है, तो उन लोग पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। उन लोग की वीडियोस देख के पता नहीं कैसे उन लोग को 100-100K व्यूज आ जाते हैं, 1-1 लाख व्यूज आ जाते हैं, और वो भी बिल्कुल फेक फेक चीजें दिखाते हुए। और गाइज अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि कब तक BGMI आएगा, तो आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। और गाइज मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो कि डेली यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कि भाई BGMI अब अनबैन हो रहा है, अब अनबैन हो रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे वही लोग BGMI को अनबैन कर देंगे और BGMI प्ले स्टोर पे आ जाएगा। तो ऐसे यूट्यूबर्स पे बिल्कुल भी भरोसा मत किया करो जो कि रोज अपना बस धंधा चलाते हैं व्यूज कमाने के लिए। तो आप लोग किस पे ट्रस्ट कर सकते हो जो कि आप लोग को बिल्कुल ठीक से खबर दे? तो गाइज जो बड़ी बड़ी ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके जो ओनर्स होते हैं, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हो ट्विटर पे, एंड इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी देख सकते हो, वो बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्सेज है क्योंकि उन लोग का बिल्कुल कनेक्शन रहता है ऑफिशियल से, यानी कि क्रैफ्टन वालों से उनका जरूर से कनेक्शन रहता है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी रहती है। एंड वो लोग भी अपने ट्वीट्स में ये बोलते हैं कि BGMI जरूर से वापस आएगा, बस पॉजिटिव रहो। लेकिन जो ये यूट्यूबर्स है ये बिल्कुल नेगेटिविटी फैला देते हैं और फिर लोग भी नेगेटिव सोचने लगते हैं और कुछ कुछ लोग तो BGMI से शिफ्ट हो जाते हैं। तो गाइज लास्ट चीज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल भी मत देखो जो कि रोज यही वीडियोस डालते रहते हैं कि भाई BGMI अब हो रहा है अनबैन, अब हो रहा है अनबैन, और वेट करो जब सही टाइम आएगा तब BGMI वापस आ जाएगा। एंड मेरे को लग रहा है कि फरवरी में आ जाएगा BGMI वापस। तो देखते हैं BGMI वापस आता है या फिर नहीं, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मेरे को। तो यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर
से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो जोर से सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।